हेलो गाइस, के साथ में आपके लिए मिस्टर एडन हैकर टेक चैंपियन स्पोर्ट्स और जोशी व्लॉग से रिलेटेड न्यूज अपडेट है तो वीडियो कार्ड तक जरूर देखना। फर्स्ट बात करते हैं मिस्टर एडन हैकर के बारे में। गाइस, आप मिस्टर एडन हैकर का ये टीम मेंबर तो जानते होंगे जिनका नाम है बादशाह रवि। गाइस, ये मिस्टर एडन हैकर की वीडियो में एक दो महीने से दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाइस, इनके रील के नीचे काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको क्या मिस्टर एडन हैकर ने निकाल दिया है, आप मिस्टर एडन हैकर की वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हो। गाइस, ये पूरा पता नहीं चला ये मिस्टर एडन हैकर की वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कोई पर्सनल काम की वजह से ये दिलराज भाई की वीडियो में ना आ पा रहे हो। बात करते हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। सौरभ जोशी के व्लॉग में काफी लोग कमेंट कर रहे हैं आप अपने व्लॉग की डेट क्यों नहीं लिख रही हो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो सौरभ जोशी व्लॉग अपलोड कर रहे हैं वो 10 दिन पुराने व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। अगर सौरभ जोशी उसमें डेट लिखेंगे तो काफी लोग उनके व्लॉग नहीं देख पाएंगे, इसी वजह से सौरभ जोशी अपने व्लॉग में डेट नहीं लिख रहे हैं। थर्ड बात करते हैं टेक चैंपियन स्पोर्ट्स के बारे में। गाइस, आपको पता होगा इनके चैनल पर यूट्यूब ने 7 दिन के लिए स्ट्राइक दे दिया है, जिनमें ये अपने चैनल पर कोई भी 7 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। गाइस, इन्होंने कहा है यूट्यूब हमारे चैनल पर जितने स्ट्राइक देगा हम उतने नए चैनल खोलेंगे। YouTube वाले बाबा के चैनल पे स्ट्राइक दिया है। साला भूल जा उस चैनल को, कौन था टेक चैंपियन सपोर्ट, नए चैनल पे काम करेंगे। YouTube वाले बाबा दूसरा चैनल खड़ा करके 2 महीने के अंदर लाखों सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। इतनी पावर है YouTube वाले बाबा पे और इतने ऑडियंस का प्यार है। YouTube कितने भी स्ट्राइक दे दे, लोग मजाक बना रहे हैं ना उनके मुंह पे जूता। तो अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।